हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जोंडिया 53-10। देख सकते हैं इसका जो गियर का जो लीवर है, लीवर एकदम ढीला हो चुका है। इसका जो अंदर का जो लॉक है, लॉक ख़राब हो चुका है। इसके लिए क्या है, दोनों लॉक बदल दूंगा। ये ऊपर से भी काम कर सकते हो। इसके लीवर जो ऊपर से देख सकते हो बोल्ट है, बोल्ट को निकाल के कुछ इस तरीके से इसको निकालो। रबड़ खोल के इसके लॉक है, लॉक निकाल के देख सकते हो। रबड़ को निकाल दिया हूँ। अभी जो लॉक है, लॉक को निकालना है। दो तीन लॉक है इसके अंदर। इस तरीके से आपको लॉक को निकाल लेना है। उसके बाद एक स्प्रिंग देख सकते हो, स्प्रिंग लॉक अंदर में और एक लॉक है, छूट गया है देख सकते हो। ये भी लॉक है। उसके नीचे और एक लॉक है जैसे इस तरीके का रिंग टाइप का। लॉक को निकालो थोड़ा, इस तरीके से आपको निकाल लेना है। उसके बाद लीवर को निकालो, लीवर को निकालो खींच के ऊपर से देख सकते हो इस तरीके के। इधर एक लॉक है, लॉक एकदम घिस के खराब हो चुका है। अंदर में देख सकते हो पानी है। बोल्ट को ढीला कर देता हूँ, पानी जो है निकल जाएगा। देख सकते हो अंदर में पूरा पानी जो है घुस चुका था रबड़ के कारण। रबड़ कटने के कारण जो पानी है घुस चुका था, पानी निकल रहा है। इस तरीके से आपको पानी भी निकाल देना है बाहर। अंदर में देख सकते हो उधर भी एक लॉक लगा हुआ है। यहाँ पर लॉक को वो लॉक को भी चेक कर लेना है। कैसे जो डिफरेंशियल लॉक है, जो इसका ब्रेक का जो लॉक सिस्टम है वो नहीं लग रहा है। उसके लिए जो टापा है, टापा को पूरा जो बोल्ट है, बोल्ट को निकाल के टापा को बाहर निकाल लेना है। थोड़ा हथौड़ी से मारो नीचे। बोल्ट को निकाल लिया हूँ पूरा देख सकते हो, आराम से ना देख सकते हो पूरा निकाल लिया हूँ। अभी इसको टापा का जो है ऊपर उठा लूँगा। इस तरीके से आपको टापा को ऊपर उठा लेना है। अंदर में देख सकते हो, बाहर निकालो देख सकते हो। टापा को नीचे उतर लिया हूँ। अभी ऊपर का प्लेट का जो बोल्ट है 13 नंबर का, इसको निकाल रहा हूँ। 5 बोल्ट है इसके ऊपर। इधर का लॉक जो है सही है देख सकते हो। यहाँ पर भी एक लॉक है, इस तरीके का लॉक ये सही है। अंदर में एक लॉक है, उसको भी चेक करूँगा। चलो अंदर का इसको उठाओ प्लेट को देख सकते हो। प्लेट पूरा जो पानी घुस के अंदर में कचरा जम गया है। इस टाइप का और एक प्लेट है, इसको निकालो। अंदर में देख सकते हो ये लॉक है, ये लॉक जो है एकदम खराब हो चुका है लॉक पानी के कारण। इस तरीके से हिलाओ थोड़ा दोस्तों। लॉक है, लॉक यहाँ से हिल रहा है। इस तरीके से हिलना नहीं चाहिए। हिलने से जो है गियर ठीक से आपका सेट नहीं होगा। दोस्तों लॉक को निकालने के लिए इस तरीके से आपको ऊपर से ठोकना है और नीचे से लॉक जो है निकल जाएगा। दोस्तों लॉक है, लॉक खराब हो चुका है, जिसके कारण जो है गियर बहुत इसका हिल रहा है इधर उधर, एक बराबर नहीं लग रहा है। अभी सामान लेके इसको फिटिंग का वीडियो दिखाऊंगा। तो पूरा जो है बॉडी को पूरा साफ कर लिया हूँ। कुछ इस तरीके से आपको अंदर में साफ कर लेना है। और इसका जो प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक लॉक इस तरीके का जो लॉक है, और इसका जो पार्ट नंबर है मैं बोल देता हूँ। पार्ट नंबर आपको एक पार्ट नंबर है, छोटा जो लॉक है इस तरीके का, यहाँ पर सेट होता है। यहाँ पर सेट होता है इस तरीके से। इसका जो पार्ट नंबर है 34M3866, इसका पार्ट नंबर है। 5 रुपये लिया है। और ये जो बड़ा लॉक है देख सकते हो, बड़ा लॉक यहाँ पर लगता है, जो गियर लीवर है, गियर लीवर में इस तरीके से सेटिंग होगा। बड़ा लॉक का जो पार्ट नंबर है 35M7044, इसका पार्ट नंबर। देख सकते हो एक गियर का जो प्लास्टिक का बुश है, बुश का पार्ट नंबर है देख सकते हो R13-71-41, इसका पार्ट नंबर है। 28 रुपये लिया है इसका। इस तरीके का प्लास्टिक देख सकते हो, यहाँ पर सेटिंग होगा ये गियर के अंदर। क्या है, इधर उधर हिलने से ये जो घिस जाता है, तो नया डालने से जो है फिक्स हो जाएगा गियर। गियर का जो रबड़ है, रबड़ का पार्ट नंबर है S43212R, इसका पार्ट नंबर है। 84 रुपये लिया है एक पीस। और गियर को लॉक करने के लिए ये इसका कुछ इस तरीके का, इससे क्या लॉक होता है, इसका पार्ट नंबर है R13-99-47, 10 रुपये लिया है। 2 ठो इस तरीके का है ये। क्या है, गियर का जो मूठ डाल के इस तरीके से आपको लॉक कर देना है। जैसे लॉक को कुछ इस तरीके से आपको निकाल लेना है। लॉक
जैसे तो लॉक घिस के पूरा ख़राब हो चुका है। अभी इसको निकालेंगे, इसका बुश को कुछ इस तरीके से आपको निकाल लेना है बुश। प्लास्टिक कुछ इस तरीके से निकल चुका है, ये ख़राब हो चुका है। अभी कुछ इस तरीके से आपको सेटिंग करना है ऊपर तरफ रख के, जैसे तो इस तरीके से आपको इसको सेट करके इसका जो ऊपर का लॉक है, लॉक को कुछ इस तरीके से आपको अंदर में सेटिंग कर लेना है। साइंटिस्ट के लिए देख सकते हो, इस तरीके से आपको निकल कर रखना है, नहीं तो क्या है लॉक बॉडी में जगह है, जगह में लॉक फंसेगा। तो गियर का जो लीवर है इसको किस तरीके से आपको सेट कर लेना है, उसके बाद ऐसे पिन को अंदर में आपको सेटिंग करना है। अभी टापा को सेट करूंगा गाड़ी के ऊपर, उसके बाद आपको चला के दिखाऊंगा। देख सकते हो अंदर का स्पेस इस तरीके से रहता है अंदर में। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, जानता हूँ आपका टाइम बहुत कीमती है, और हमारे यहाँ दुर्गा पूजा हो रहा है, पूजा का जोड़ा आवाज़ आ रहा है। जो डंका जो बजाता है उसका जो आवाज़ है आ रहा है बजने का। देख सकते हो एनामोल लगा के चिपका लिया हूँ इधर का भी। देख सकते हो इसमें खाली लॉक लगता है, इसका जो है साथ में नहीं है, इसमें खाली लॉक इसमें पूरा सेटिंग करूँगा। देख सकते हो टापा को कुछ इस तरीके से आपको सेटिंग करना है अंदर में। इसका जो लीवर है, लीवर का जो अंदर में जगह है, जगह में आपको सेट करना है। दोनों में सेम चीज़ है, इसको आपको ध्यान रख के इस तरीके से हिला के आप सेट कर सकते हो। छोड़ो इसके ऊपर, देख सकते हो पूरा गाड़ी बना के कंप्लीट कर लिया। अभी गाड़ी स्टार्ट करके चला के दिखाता हूँ, चले स्टार्ट करो। जैसे स्टार्ट हो चुका है, इस तरीके से आप अपना गाड़ी का जो गियर कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम्हारा अगला वीडियो आपको ज्यादा से ठीक। पहले क्या गियर लगने ठीक से नहीं लग रहा था ठीक।